अधिकतर विद्यार्थी 10वीं और 12वीं पास के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। इसके लिए वे अपने परिचित और पढ़े लिखे दोस्तों से पूछते हैं कि आखिर अब हम क्या करें, जिसमें वे आपको वाले हैं, जैसे कि ITI क्या है, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, ITI में कौन कौन से कोर्स होते हैं, ITI में एडमिशन के लिए कितना फीस लगता है और इसके बाद कौन सा जॉब आपको मिल सकता है। तो ITI के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, जिसको हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं, जो DGET यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत कार्यरत है। यह विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह छात्रों को औद्योगिक कौशल और कार्यों के लिए शिक्षित भी करता है। इसका मकसद विद्यार्थियों को ऐसी क्षमता और स्किल देना है जिससे वे व्यवसाय कर सके या कम आयु में ही रोजगार पा सके। दोस्तों, ITI विभाग उद्योगों और व्यवसाय को कार्य बल प्रदान करता है। यहाँ विद्यार्थियों को विशिष्ट कार्य सिखाए जाते हैं जो किसी उद्योग अथवा व्यवसाय में व्यवहारिक तौर पर किए जा सके। यह कोर्स कक्षा 8वीं, 10वीं और कक्षा 12वीं पास छात्र कर सकते हैं। यह अल्प अवधि में ही एक व्यक्ति को रोजगार के लिए उपयुक्त बनाता है। एक ITI को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग विभागों में काम मिल सकता है। अब देखते हैं कि ITI कितने प्रकार की होती है। बहुत किस्म के कोर्स ITI में पाए जाते हैं। इन सारे कोर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इंजीनियरिंग ITI, इसमें आप गणित और भौतिक विज्ञान के विषयों को सीखेंगे। और दूसरा है नॉन इंजीनियरिंग ITI, इसमें आप दैनिक जीवन से संबंधित चीजों को सीखेंगे। हम आपको ITI के कुछ कोर्स के बारे में भी बता देते हैं, जैसे कि ITI इलेक्ट्रीशियन, ITI फिटर, ITI ऑटोमोबाइल, ITI वेल्डर, ITI मैकेनिक, ITI प्लम्बर, ITI सर्वेयर, ITI डिजिटल फोटोग्राफर, ITI हेयर एंड स्किन केयर, ITI फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, ITI फायरमैन, ITI कटिंग एंड सेविंग, ITI फुटवेयर मेकर, ITI लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। इसके अलावा और भी कई कोर्स हैं जिसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। इन सारे कोर्स में दाखिला लेने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि किसी मान्यता बोर्ड से 8वीं और 10वीं में पास हो, कम से कम 14 वर्ष की उम्र और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष की आयु हो, राज्य की ITI परीक्षा में पास होना अनिवार्य है और आप 12वीं के बाद भी ITI कर सकते हैं। कुछ कोर्स का समय 6 महीने, कुछ का 9 महीने और कुछ का 1 साल और 2 साल भी होता है। अच्छी ITI कॉलेज, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट, लिखित परीक्षा का आयोजन होता है, उसमें से विद्यार्थियों को चुना जाता है। जब कोई विद्यार्थी ITI खत्म कर लेता है तो वह AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देता है। उसमें सफल छात्रों को NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब बात करते हैं ITI कोर्स की फीस के बारे में। दोस्तों, अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ITI करना चाहते हैं तो वहाँ की फीस कॉलेज के अनुसार देनी होगी। कुछ प्राइवेट कॉलेज में ITI कोर्स की फीस 1 साल में 5,000 से लेकर 50,000 तक रखी जाती है। सामान्य तौर पर एक सरकारी कॉलेज में ITI की फीस नहीं होती, लेकिन कुछ सरकारी कॉलेजों में 7,000 रुपये की न्यूनतम फीस का प्रावधान है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ITI करने के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी। इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लिए आसानी से अप्लाई कर सकता है। इस कोर्स में अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं। ITI की सरकारी प्राइवेट कॉलेज में मौजूद है और कई यूनिवर्सिटी भी इस प्रकार के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह मांगा जाता है कि आवेदक ITI किया हो, जिसमें ITI करने वालों को एक सुनहरा मौका मिलता है। तो अगर आपको कम आयु या कम समय में रोजगार पाना है तो आपको प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक कामों में रुचि है तो ITI आपके लिए सबसे उपयुक्त है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो शिक्षाप्रद लगा हो और आपने इसमें जो भी सीखा हो वह आपके काम और आपके मतलब की हो। तो दोस्तों, यह बेहतरीन और काम की जानकारी अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बना सकता हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।